उसको देख रहा है। अब तो मेरे पास क्यों आई जल्दी। तो गाइस बॉयज गर्ल्स एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और गाइस बहुत दिन हो गए थे भाई जिम विम करे हुए, तो आज वापस से हम एक्सरसाइज करने के लिए निकल रहे हैं। एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट होते हैं देखो है ना। और हमने एक अपना नया पार्टनर भी ढूंढ लिया, क्योंकि अकेले जाने में क्या होता है चीजें खराब हो जाती है, कई बार आपका जाने का मन नहीं करता, लेकिन जो आपका पार्टनर होता है ना वो आपको रगड़ रगड़ के ले ही जाता है। तो इसलिए गाइस आज हम अपना नया पार्टनर ढूंढ लिया और उस पार्टनर को अब हम लेने जा रहे हैं, और आपको थोड़ी देर में पार्टनर से मिलाता हूँ, ठीक है। गाइस देखो पार्टनर तो आ गया, पर यार तू डेली इतना लेट करेगा तो फिर तो बात नहीं बन पाएगी। बकवास मत कर गाइस, 15 मिनट पहले फोन कर कह रहा मैं तेरे नीचे खड़ा हूँ। आई तो 15 मिनट हो गए मेरे को, 15 मैं अपनी झांक दे ना खिड़की में से यूं करके, मतलब ये 15 मिनट तो हो गए। देख उस्ताद इसको 5 से ज्यादा, ये देख कॉल दिखा देता हूं, कॉल देख ले मैंने कब करी इधर को, इधर देख ले भाई, नहीं देख लेना अब ये देख 11:09 फिर 11 मिनट में तू था नहीं, पहले 2 मिनट तो मैं पहले रुका हूँ यहाँ पे आके यार, फिर उसके बाद 11 मिनट बाद फिर मैंने फोन किया तेरे को, उसके बाद अब तू आया। कोई तरीका यार ये इतनी तेजी दिखा रहा है ये। गाइस मोंटी एक बहुत जबरदस्त टास्क करने में लगा हुआ है। इसके जो फोन की टच है ना रेंडमली कभी भी चल जा रही है और कभी भी बंद हो जा रही है, तो मोंटी को भी ये सही होने के लिए देना अपना फोन। पाप है ये, ठीक है। तो कह रहा टच चल गई, टच चल गई, एक मिनट गाड़ी रोक। मगर गाड़ी की रोकने कह रहा सब डिलीट मारना। भाई हैंग हो रहा है। तो गाइस ये ठीक होने से पहले ना इसकी हिस्ट्री उड़ा रहा है। मैं सब ठीक कर दूंगा। उधर सामने खड़ा हुआ। हाँ बढ़िया जिम चल रही थी गाइस, जिसकी कोई हद नहीं। इतना बढ़िया मजा आ रहा था जिम में जिसका कोई मजा नहीं भाई। और ये बंदे ने गाइस अननेसेसरी बंदे बुला लिए हैं, मतलब जिनकी अभी जरूरत नहीं थी, अभी कोई जरूरत नहीं थी तुम्हारी। मेरा एंटी विरोधी तो आपको पता ही है, मेरा हमेशा विरोध प्रदर्शन में खड़ा रहता है। और ये हमारा दूसरा भाई कह रहा चल मैं तुम्हें बढ़िया खाना खिला के लाऊंगा, मगर चल भाई उस्ताद ना मान रहा। तो आज मोंटी भाई संजीवनी बूटी पीने के लिए है तैयार। मोंटी पी के दिखा जरा से एक घूंट में भाई। ये फालतू की बात है, ये बहुत अच्छा जूस है और इसमें कोई भी मतलब कुछ भी नहीं है, कड़वाट कोई ना, कोई कड़वाट नहीं है, पी एक बार। इसकी स्मेल भी इतनी अच्छी है, बहुत अच्छी है, पी एक बार, पी लूंगा मैं तो। पी ना, देखो ये बहुत इजी है। आंसू आ गए बेचारे की आंखों में से। पर मैं देखो मर्द का बच्चा है एकदम, उफ नहीं करा। मैं कह रहा था मर्द है नहीं है, पानी ढूंढ रहा। क्या कह रहा था भाई बता तो दे। छान के वो बात अलग, उसको देख रहा है। मैंने कहा रुका भी, मैं चाहता था भी लोग देख रहे हैं। तो गाइस अभी पता क्या, हम पोहा खाने के लिए रुके थे, उसके बाद एक छोटा सा सीन हो गया, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। छोटा सा सीन है देखो ये, अब आपको लग रहा होगा कि मेरे पैंट ऐसे गीली कैसे हो गए, ठीक है अपना गलत सलत दिमाग मत लगाना, यहाँ पे भी हो गया इधर भी हो गया। एक्चुअल में हुआ क्या, ये प्लेट थी ये मैंने अपनी गोदी में रख रखी थी, उसके अंदर चाय रखी थी, और वो चाय भाई मेरी सीधा पेट पे गिरी यहाँ पे, देखो यहाँ पे लाल लाल भी हो गया, तो यहाँ पे पूरा हिस्सा भाई मेरा पूरा हिस्सा जल गया चाय से, बहुत एकदम जबरदस्त गर्म चाय थी, और वो फिर ऐसे फिसलते हुए पैंट में भी चली गई है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एकदम गरम गरम ओमाहे नमा हो गया भाई जबरदस्त तरीके से। एक बार को तो लगा कि शायद मेरी खाली उतर जाएगी यहाँ से। और गाइस देखो मेरा जलने का जो रीजन है ना वो ये बंदा है, तेरी वजह से ही जली है, जब तूने ये जो दरवाजा बंद करा ना उसके बाद ले यो चीज तेरा भाई सुनना चाह रहा था। मैं सोच ही रहा था कि तू नाम किस पे लगा होगा, अपने ऊपर तो लगावे नहीं बिल्कुल भी भाई। हर इतना कलाकार आदमी है, पानी भी साले ने कौन सा गिरा, कहाँ है मेरी बोतल। इसमें गाइस ग्लूकोज का पानी था, पानी था नहीं गाड़ी में, इसमें लाल रंग का ग्लूकोज का पानी यहीं बिखेर दिया इसने मेरे ऊपर सारा। केरल ले उस्ताद करूं तुझे अभी के अभी ठीक, ऐसे खतरनाक डॉक्टर बैठे हमारी गैल। गाइस बहुत बेहतरीन तरीके से हमने पेट वेट जला लिया, थाई वाई जला लिया, डॉक्टर साहब भी हमारे आ गए हैं, पर अनफॉर्चुनेटली हमारे स्किन के डॉक्टर नहीं है, ये हमारे बेचारे फिजियोथेरेपिस्ट है। डॉक्टर साहब आपके पास इसका कोई इलाज है जो हमारा पेट जला भी? देसी इलाज है भाई, देसी इलाज लिया तो लिया अल्लाह करके पेट में धर ले, कोलगेट लगा लियो सबसे बेस्ट है। हाँ हाँ कर ले अपना, देख ले तुम्हारा चेहरा देख रहे सही लग रहा है। कभी कभी आऊ ना मैं, लगना चाहिए ना कि हाँ छोरा है। ये वाली क्लिप काटूंगा भाई, ये बात गलत है। फाइनली गाइस, फाइनली महापुरुष ने हॉर्न मार मार के गाइस
फाइनली हमको पहुंचा दिया जिम पे वापस। 8 बजे हम जिम आए थे कि 9:30 तक जिम करेंगे, उसके बाद घर चले जाएंगे। भाई हमें पता नहीं कहाँ कहाँ घुमाने ले गया। वापस से 12 बज गए हैं, अब हम वापस से जिम जा रहे हैं दोबारा से। तो तेरी क्लिप आके ही रहेगी हर हाल में, क्योंकि आज तो घूम ही मेरे साथ रहा है। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं केक लेने के लिए, क्योंकि जो मेरे बड़े वाले भ्राता श्री हैं आज उनका बर्थडे है। क्लबों में ज्यादा घूमता है, घर में कम रहता है भाई। जिंदगी वही जी रहा है हमारे में तो बस। भाई देखो जिंदगी वही जी रहा है, चाहे कितने बड़ा यूट्यूबर हो कोई भी हो, मैं कह रहा हूँ उसके जैसी लाइफ भाई जी ना सको, हम भी ना जी सके। अगर हम अब जीना शुरू करें ना तो 2-3 जन्म तो लग जाऊंगे। लाइट आने रही है गाइस, और मम्मी भी हमारे प्लान में शामिल हो गई है। मम्मी कह रहे मैं भी अपने लड़के का केक कटवाऊंगी। ये हमारे भाई का केक, इसका नाम है पार्टी एनिमल, क्योंकि ये बंदा सारे दिन पार्टियों में रहता है। आज आपको पहली बार व्लॉग में दिख रहा होगा, इससे पहले कभी रेयरली कभी दिखा होगा तो दिखा होगा। अरे कोई कैंडल वैंडल की जरूरत ना है, सीधा कटन दो केक। चलो कोई फूक पाक की जरूरत ना है। हैप्पी बर्थडे टू यू। मम्मी तो खा भी ना, इन्हें खिला इन्हें खिला। पार्टी एनिमल का गया, यही तेरी पार्टी है। गाइस देखो हमारे घर पे ना लाइट वाइट तो आनी रही, मम्मी का भी देखो मुंह टेढ़ा सा हो रखा, क्योंकि मम्मी को गर्मी से लग रही है। इसलिए हमने क्या काम करा ना, अपने फोन के चार्जर उठाए हैं दोनों, और मम्मी को लेके मैं आ गया अपने जीजी के घर पे, क्योंकि मम्मी के लिए मैंने जो कपड़े सिलवाए थे ना, सूट सिलवाए थे, मम्मी कह रही है मेरे को उनकी फिटिंग अच्छी नहीं लग रही, मम्मी को दोबारा से फिटिंग करानी है गाइस। इसलिए अब हम जा रहे हैं अपने जीजी के घर पे, जो अभी आई है अमरनाथ की यात्रा पूरी करके, उनका एक्सपीरियंस भी पूछेंगे। चलो जीजी हमें हमारे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही है अमरनाथ का, जो कि राहुल का बहुत बेकार, क्योंकि बेचारी से चढ़ाई नहीं गया, यहाँ से प्रैक्टिस करके गई नहीं थी चलने की, है ना, गए थे प्रैक्टिस करके चलने की। बहुत चली, बहुत चली, 1 महीने बहुत दौड़ी। कितना किलोमीटर चढ़ पाए आप अमरनाथ? मैं 10 किलोमीटर तो चढ़ी। 10 किलोमीटर चढ़ के बिना बीमार हुए? हाँ। एक बार भी डॉक्टर के नहीं गए? नहीं। झूठ बोल रही है गाइस, कल रात ही मेरे को कह रही थी मैं 4 बार भर्ती हुई हूँ। नहीं तो ऊपर ऊपर हुई हूँ ना, उससे ऊपर हुई तो हो ना, देखो बोल रही है ना झूठ। उससे पहले इसकी तबीयत खराब हो। 10 किलोमीटर बाद आप बीमार हो? हाँ, उसके बाद 4 बार हॉस्पिटल? हाँ, 4 बार। इसलिए गाइस मेरा एकदम सख्त सजेशन है, जिसकी तबीयत ठीक नहीं है अमरनाथ कभी मत जाओ। हाँ। मम्मी ने गाइस जो प्लान बनाया था सूट को चेंज कराने का, अल्टर कराने का, वो जीजी ने कर दिया मना। फिटिंग विटिंग एकदम ओके है गाइस। क्या चाहिए तुझे? अभी तो तू मेरे पास नहीं आ रही थी, अब क्यों आई है? अब तो मेरे पास क्यों आई है, जल्दी बता, चांट मार दूंगा उस तेज। तो गाइस अभी हम जिस पर्पज से यहाँ पे आए थे, फोन हमने चार्ज कर लिया है, मम्मी ने अपने सूट चेक करा लिए, उनमें अंदर कोई चेंजेस कराना नहीं है। अब वापस अब हम घर जा रहे हैं, घर जाके भाई साहब से मिलते हैं बर्थडे बॉय से, कि वो क्या कर रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली बेचारा पसीने में पड़ा होगा, और अगर लाइट आ गई होगी तो 100 में से 99.99% सो चुका होगा, क्योंकि भाई उसका जो लाइफ है ना, वो दिन में सोने वाली लाइफ है और रात में पार्टी चलती है उसकी, इधर से उधर, मतलब समझ रहे हो, जो आप फिल्मों में देखते हो ना, एक बंदा होता है जो भाई एकदम जबरदस्त तरीके से दिन भर खाता पीता मौज करता है, सोता है बल्कि मौज भी क्या करता है, और रात भर भाई घूमे, पार्टी पार्टी, डीजे, और भाई पार्टी, बस वही वाला भाई है मेरा। भाई आप सोच रहे हो मैं इस बंदे को क्यों दिखा रहा हूँ, मतलब जस्ट अभी बाहर से आया हूँ, और सोच रहा था आराम से अब सो जाऊंगा, बस लेटने के लिए मैं लेट ही रहा था, पर इसके जैसे मनुष्य बंदे जब तक जीवन में है। आपके साथ भी ऐसा होता है कभी कि आपका कोई यार दोस्त कहीं से भी टपक जाए? हाँ, समझ रहे हो, ऊपर से नीचे से साइड से कहीं से भी आके कहते इस 22 कर ले, इसी भाई 16 कर ले, मर जाए ठंडा में क्या। चलो गाइस थोड़ी देर सो जाते हैं, मिलते हैं आपसे फिर। तो गाइस मैं बढ़िया सो रहा था, एकदम से फिर पंडित जी का आगमन होता है हमारे जीवन के अंदर, जो हमें कहते हैं बेटा सो क्यों रहा है, चलो मैं तुम्हें घुमा के लाता हूँ। घुमाने के लेके जा रहा है वो भी दोपहर में पार्क में, और वो भी कौन सा पार्क, जैपनीज पार्क। पार्क बोल के गाइस हमको हॉस्पिटल में ले आया ये बंदा। यार अब बताओ, मैं खुश हो गया था कि कुछ कुछ मुझे देखने को मिलेगा, अब यहाँ तो मेरे को देखो हॉस्पिटल में जाकर बड़ा डर लगता है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हॉस्पिटल, दिल मेरा एकदम से शांत कमजोर से फील करना शुरू कर देता है एकदम से। पंडित जी यार एक बात बता, हम तेरे को लेके चलते हैं चॉकलेट खिलाने, कभी रशियन कभी इंडियन कभी देसी, है ना। जो तूने लेटेस्ट खाई है और तुम्हें लेके चलता हॉस्पिटल्स में? यार जरूर था भाई, ये डेली आ रहा हूँ मैं, अकेला आता हूँ यार। हमें भी कोई अच्छी प्यार इसी जगह पे लेके चल, हमारा भी एकदम से शाम वाला काम करा दे आज तू मेरा। अभी मैं चल रहा हूँ, आज शाम वाला काम करा, तेरे को दिल से अच्छा लगेगा, मान के चलता हूँ।
ठीक है पंडित जी लेके चल रहे हैं फाइनली हमको दिल खुश कर देने वाली जगह पे, और हम पंडित जी का फॉलो कर रहे हैं। देखते हैं पंडित जी हमें क्या दिलाएंगे। यहाँ पे मक्खियाँ हैं, यहाँ पे काफी सारी, पानी बिखरा हुआ है, सीढ़ियाँ खराब है और ये जगह बंद है। अरे यार चलो गाइस मैं आपको बता देता हूँ हम यहाँ पे क्यों आए थे। यहाँ पे ना हमारी एक स्ट्रे डॉग थी, ठीक है, वो स्ट्रे डॉग के सिर पे चोट लगी थी बहुत ज्यादा, सिर फट गया था उसका पूरा, पता नहीं कैसे लग गई थी, मतलब वो मरने वाली हो गई थी। तो यहाँ पे उसको हमने केयर के लिए दिया था और अब वो काफी ठीक हो गई थी। ये हॉस्पिटल टाइप है, ठीक है, मतलब स्ट्रे डॉग्स का, तो वो काफी हद तक ठीक हो गई थी। और तो उसको अब हम लेने के लिए आए थे कि जहाँ की वो है उसको वहाँ पे छोड़ दे, बट यार ये अभी बंद है। वैसे दिल खुश करने वाली जगह थी, वैसे चीजों से खुश ना होते हम। हमारा जो वाहन है ना गाइस पानी में, ओ मार दिया साले ने, बच गया थोड़ा सा, उसमें तो है ही ना, ये जो चला रहा है इसमें तो है ही ना, तेरे में भी ना। ये गाइस हमारे ओपी ड्राइवर, अभी जस्ट वहाँ पे रगड़ देते इसको। गाइस अभी हम घर पे आ चुके हैं और पंडित जी कह रहे मेरी तारीफ कर भाई, तो तारीफ भाई इसलिए करी जा रही है क्योंकि भाई हमारे लिए ना केक लाए काट के। अरे यार ये रील देख देख के बहुत परेशान करे भाई तू। यार भाई केक वेक खा के अब मैं गाइस आ गया हूँ पार्क में, और आज रनिंग वनिंग नहीं करूंगा, आज जूस पियेंगे, गर्मी बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर भाई रनिंग वनिंग कर दी ना तो शरीर का ही जूस निकल जाएगा इतनी गर्मी के अंदर। गाइस पार्क से आ गया हूँ और डॉग्स को फूड खिला दिया है, उसके बाद अब घर पे चल रहे हैं। घर पे जाके वापस से तैयार होना पड़ेगा क्योंकि हमारे एक भ्राता श्री हैं जो आज पिता श्री बन गए हैं। पापा बनने की खुशी में आपको बताइए, लोग पार्टी देते हैं और हम क्या करते हैं, पार्टी खाते हैं। तो गाइस अभी हम आ गए हैं पार्टी में और यहाँ पे शोर बहुत ज्यादा है, इसलिए ज्यादा कुछ रिकॉर्ड हो नहीं पाएगा, पर सारे के सारे बंदे चिपट गए खाने। मेन काम हमने कर लिया है खाना खाने का। गाइस सुबह से जतिन भाई मिल नहीं रहा, आपको दिख भी नहीं रहा होंगे, जैसे ही आया ना मेरा कैमरा ऑन करके मगा, भाई को तो लेना बनता है। आज सेक्सी लग रहा हूं। चार गाली देते हो आज गाली देने का मूड में नहीं है। भाई देखो ऐसा कि खाना वाला ग्रुप बन रहा है, हाँ अलग ग्रुप बन रहा है हमारा, खाना वाना हमने खा लिया है और हमारे पास आज हम गाड़ी लेके नहीं आए हैं, बाइक पे आए हैं, क्योंकि देखो जो फंक्शन था ना वो घर से बिल्कुल 50 मीटर की दूरी पे था, और भाई बाइक पे चलने का जो सुकून है ना कभी कभी मिलता है। अब आप कहोगे भाई देखो तीन बंदे बाइक पे ट्रिपलिंग कर रहे हैं, रूल तोड़ रहे हैं, ज्ञान दोगे, ऐसा फालतू का ज्ञान तो देना मत, ठीक है, घर के पास ही घूम रहे हैं अपने। ठीक है भाई आज के ब्लॉग में बस इतना ही रहेगा, बाय 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 बाय, लव यू टू, मुआ मुआ मुआ।